हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चार्ट टूल क्या होता है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, चार्ट टूल की मदद से हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। बेसिकली दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कभी ना कभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर ग्राफ का यूज किया होगा, जिसमें दोस्तों किसी भी डेटा को ग्राफ फॉर्मेट के रूप में बनाया जाता था। जैसे कि दोस्तों, हम यहाँ पे हम लोग चार्ट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको डेमो के रूप में इस तरह से कुछ दिखाई देता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर 9th या 10th क्लास में हमको किसी भी डाटा को ग्राफ के रूप में कैसे बनाना ये बताया जाता है। तो दोस्तों, मान लीजिए आपको किसी कंपनी के सेल्स रिकॉर्ड का एक ग्राफ बनाना हो, जैसे कि वह कंपनी 2020 या फिर 2021 में कितने का टर्नओवर किया है, उसका आपको एक ग्राफ में डाटा बनाना हो, ग्राफ उसका बनाना हो, तो आप कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे, चार्ट वाले ऑप्शन पेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलम चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कॉलम चार्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे मॉडल, इसके बहुत सारे प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, हम लोग सबसे पहले वाले कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद इसको कर लेते हैं ओके। जैसे ही ओके करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास वो चार्ट और उसके साथ साथ एक्सेल की एक सीट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेल की सीट हमको इस वजह से यहाँ पे हमारे सामने ओपन होगी जिससे हम अपने डाटा को इस चार्ट के अंदर फिल करा सकें। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आपको डाटा को अपने फिल करना है। जैसे कि हमारे पास डाटा ये है कि हमारे पास एक कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड है जिसमें कुछ एम्प्लॉय हैं और उन्होंने सन 2020 सन 2021 में अपने अपने प्रोडक्ट का सेल किया है। उसी से हमको ग्राफ बनाना है जिससे पता चले कि कंपनी का 2020 और 2021 में टर्नओवर कितना हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दो मेन चीज़ आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको सीरीज 1 सीरीज 2 है और यहाँ पे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इस तरह से कैटेगरी 4 तक है। यहाँ पे तीन तीन का पेयर का आपको चार ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कैटेगरी 1, 2, 3 के अंदर दोस्तों हम अपने एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे। चलिए यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले एम्प्लॉय नेम लिखते हैं राजेश, उसके बाद लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे महेश, सुरेश, नरेश। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद यहाँ पे सीरीज 1 पे आएंगे। सीरीज 1 का मतलब दोस्तों, यहाँ पे जो आपको ये दो तीन स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, हमारा सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 है। यहाँ पे अगर हमको दो ही स्केल चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, अपने अपने एक्सेल सीट पे आएंगे और एक्सेल सीट के आने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे जब हम क्लिक करेंगे तो जब इस प्रकार का आपको सिंबल दिखाई दे तो आपको सिंबल से ड्रैग करना है सीरीज 2 की तरफ। इस प्रकार से आने के बाद हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे पहले तीन कॉलम था, अब वो दो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे सीरीज 1 में लिखते हैं सेल्स ऑफ 2020, अब यहाँ पे सीरीज 2 में लिखते हैं सेल्स ऑफ 2021। इसको हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे जो बाकी सारे सेल हैं इसमें हम लोग उस एम्प्लॉय ने जितने भी, मतलब 2020 में जितने का जो माल है वो सेल किया है, उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए राजेश ने 2020 में बेचा है 25,000 का, तो यहाँ पे लिख देते हैं 25,000। महेश ने बेचा तो सन 2020 में 85,000 का, तो यहाँ पे हम लोग 85,000 लिख देते हैं। उसके बाद इसने बेचा 26,000 का, तो यहाँ पे 26,000 लिख देते हैं। अब उसके बाद नरेश ने बेचा 35,000 का, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 35,000 लिख देते हैं। उसी प्रकार से 2021 में इसने कितना बेचा उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप वहाँ पे एक्सेल में सारे डाटा को भरेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डाटा बनके रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक ग्राफ बनके रेडी है जो कि सेल्स रिकॉर्ड ऑफ कंपनी है, मतलब किसी कंपनी का सेल्स रिकॉर्ड है जिसको देखने से पता चल रहा है कि दोस्तों किसी, मतलब ये इस कंपनी ने 2020 और 2021 में कितना टर्नओवर किया है। तो दोस्तों, आई होप आपको चार्ट टूल समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।